आपको बताते चलें कि आज उन्नाव के नॉर्मल स्कूल मैदान में जिलाधिकारी गौरांट राठी की अध्यक्षता में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत एग्रो क्लाइमेटिक जोन के 3 दिवसीय किसान विराट मेला, प्रियदर्शनी एवं नाबार्ड शरद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उन्नाव जनपद के फायर ब्रांड नेता एवं सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए एवं मेले व प्रदर्शनी में आए हुए समस्त किसानों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई सुविधाओं या दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया तथा मेले में किसानों को कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। किसान से जुड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का पूरा कार्यक्रम था? माननीय मोदी जी ने जो स्वयं में भारत के भाग्य विधाता हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और लोकसभा में अंतिम दिन ये घोषणा की थी कि मेरी दृष्टि में 4 स्तंभ हैं, विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। उसमें एक किसान है, एक महिला है, एक नौजवान है, एक हिंदुस्तान का गरीब है। इन चारों पर पूरा फोकस कर रखा है मोदी जी ने। तो कृषि विभाग के लोगों को आदेशित कर रखा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। आपने देखा था कि पिछले 45 दिनों तक मोदी की गारंटी का रस लेके हम गांव-गांव गए थे और कृषि विभाग में और स्वास्थ्य विभाग की टीम का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अब आज ये मेला लगा है तो किसानों की उपज को कैसे दूना किया जाए, किसान को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए। मानना यह है कि किसान आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत आत्मनिर्भर होगा तभी भारत विकसित होगा। और मोदी जी का संकल्प है इस भारत को विकसित भारत बनाने का। उसी संदर्भ में इस प्रकार के मेले जगह जगह जनपद जनपद पर लगाए जा रहे हैं और ऐसे वैज्ञानिकों को बुला बुला करके किसानों को ज्ञान दिया जा रहा है ताकि उनकी जो उपज है वो दुगुनी कैसे हो, कैसे लाभकारी हो, उसी संदर्भ को लेकर के त्रिदिवसीय मेले का कार्यक्रम रखा गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।